No, I think the kind of work that has been done presently, it started with the Kashi Vishwanath corridor in Varanasi, which is one example जहाँ पर हम लोग कहते थे कि जो हम excuse देते थे गंदगी के बारे में, जो बहुत पतली गलियाँ थीं और जो अव्यवस्था था थी उसके बारे में कि भई एक बहुत पुराना शहर है, प्राचीन शहर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है. But that image was changed by the Prime Minister जब उन्होंने काशी विश्वनाथ corridor announce करा. और उसी के तर्ज पे देखिए आप, अयोध्या का भी corridor announce हुआ और उसी तरह से हमारा विंध्याचल का भी. सो दिस इज अ बिग थिंग. जस्ट एडिंग ऑन टू द पॉइंट अबाउट तीर्थाटन एंड यू नो दैट वी वर टॉकिंग, द पर्यटन टर्म कम्स एक्चुअली फ्रॉम तीर्थाटन. दैट वॉज द इनिशियल इनिशिएशन ऑफ पर्यटन. सो आप सेपरेट इन दोनों चीज़ों को नहीं देख सकते, बट देर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क एंड कंसनट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज गोइंग ऑन. कुछ समय पहले ये अर्धकुंभ वाली बात चल रही थी, उसमें हमारा ये भी गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जिस तरह से हमारा माघ मेला होता है उसको भी क्यों ना हम रीमार्केट करें वार्षिक कुंभ की तरह. तो कुंभ जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनली एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जो एक अट्रैक्ट करती है और एक वजह बनती है. तो हमारा महाकुंभ और अर्धकुंभ और माघ मेला, इसकी जगह जो है हम महाकुंभ कह सकते हैं पर फिर हम कुंभ कहें जो हमारा अर्धकुंभ होता है, जिस तरह से इस सरकार ने उसको रीनेम किया. और उसी तरह से जो माघ मेला हमारा एनुअली इवेंट है वो भी हमारा जो है वो हो सकता है हम उसको अगर वार्षिक कुंभ कहें तो एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल फुटफॉल हो. और टूरिज्म का डेटा जो है प्रवीण ने शेयर किया था, तो दिस इज़ अ राइज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म विच हैज़ बिन पॉसिबल ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स वेयर वी वर नॉट ट्राइंग टू डिस्कवर अंडरस्टैंड आर ओन डेस्टिनेशन वेयर वी लिव इन. तो वो चीज़ अब पॉसिबल हो गई है. तो मे बी आफ्टर द कोविड टाइम्स और व्हेन द कोविड सिचुएशन गेट्स बेटर वील बी एबल टू प्रॉब्ली यू नो गेट मच मोर एंड रैम्प अप मच मोर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म. एज अ इंडस्ट्री पर्सन आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द टाइम्स टू कम. थैंक यू फॉर दैट इनसाइट सर. इसी से रिलेटेड एक बात आई है कि कोविड के टाइम में बहुत पर्सनलाइज्ड और बहुत एक्सपीरियंशियल और बहुत ही सेफ और क्यूरेटेड किस्म के टूरिज्म के ऑप्शंस लोग अब तलाशने लगे हैं. इनफैक्ट उसकी डिमांड में एक रीजनेबल अबाउट 25% तक इंक्रीज़ देखा गया है, जहां होम स्टेज, जहां पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, जहां विलेज टूरिज्म, इस तरीके के नए मॉडल्स बहुत सक्सेसफुल बताए जा रहे हैं. इसके विषय में थोड़ा सा पहले बताइए कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय एक्सपीरियंशियल टूरिज्म एंड मेबी देन वी कैन कम. या थ्रू टूरिज्म टच एंड गो से उभर के अब वो एक इमर्सिव फॉर्म में आ चुका था ऑलरेडी. सो पीपल वर नॉट ट्राइंग टू जस्ट विजिट द मॉन्यूमेंट, सी द टेम्पल एंड, बट दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट विद लोकल पॉपुलेशन, लोकल्स ट्राइंग टू गेट इन टू द क्विजीन, गेट इन टू द स्किन. स्टोरीज सेल एक्चुअली. एंड अगर हम इसको रिलीजियस से भी कनेक्ट करें तो सारे रिलीजन जो है वो एक स्टोरी है, एक 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 बुक के फॉर्म में कहानियों की तरह से बताए गए हैं. एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ टू अंडरस्टैंड वेयर लॉर्ड रामा लिव्ड, वेयर ही स्लेप्ट, वेयर ही आई मीन अयोध्या में आपके सीता रसोई को जितना बेचा गया उतना शायद जन्मभूमि को भी नहीं बेच पाए होंगे वहाँ के गाइड. सो पीपल गेट एक्साइटेड. वहाँ पर उन्होंने एक चकला और बेलन रख दिया है, नोबडी नोज वॉट इज द फैक्ट. But then this is how they have been able. So that is what immersive travel is. And before the session, we were discussing, I was in Kushinagar 3 days ago, and we were discussing why not try to do a bit of research, what meal would Buddha, Lord Buddha eat when he was there, and try to replicate that kind of a meal when the place where he had his last meal, वहाँ पे हम लोग क्यों नहीं उसको वो कर सकते हैं. So this is what immersive travel is all about. प्रतीक सर, वी ऑल आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ फिर हम लोग इस चर्चा को समाप्त करें. इवेंट्स पे हमारे यूपी को काफ़ी काम करना चाहिए और कर रहा है ऑलरेडी. और ख़ासकर जो हम आज इस मंच से बोलना चाहेंगे कि इवेंट्स और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहे हैं और महान चीज़ को मानेंगे. इन्हों ने हमारा अयोध्या से जो ताल्लुक था वो बनवाया 2014-15 में, और उसके बाद हम अयोध्या जाते रहे. और हर दिन जो है अयोध्या में एक इवेंट है,
चाहे वो रामनवमी तो बहुत बड़ा इवेंट हम बता रहे हैं, पर छोटे छोटे इवेंट, और जैसे राम विवाह का एक इवेंट होता है, सिर्फ मिसाल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जिसको हम कभी हाईलाइट नहीं कर पाए, अगर हो सकता हम गलत हो, पर हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, वो उसी प्रणाली पे बेस्ड हैं जो राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था, और वो आज भी प्रैक्टिस किया जाता है उसी हर्षोल्लास के साथ, अलग अलग जगहों से बारातें निकलती हैं, उस इस तरह के डेली इवेंट्स को हम यूपी में हाईलाइट करने में सक्षम नहीं रहे हैं, और हम इवेंट्स अपने मैन मेड इवेंट्स जो हैं वो बनाते रहते हैं। तो क्यों ना इस तरह के इवेंट्स को ही हम हाईलाइट करते हुए, और हम उसको उससे ज़्यादा बेनिफिट शायद उठा सकते हैं दैन मेकिंग आर ओन इवेंट्स, और हम इर्द गिर्द सिर्फ ढूंढें तो इस तरह के हर शहर में, हर गली में इस तरह के इवेंट्स मिल जाते हैं। तो ये एक बस हमारा मैसेज है जो शायद योगी सरकार इस पे ध्यान देगी, और आई एम श्योर दैट जिस तरह के काम हुए हैं तो ये भी एक जो बची कुची चीज़ है ये भी शायद हो जाएगी।